जबलपुर का दशहरा देश भर में मशहूर है। दशहरे पर 10 दिनों तक चलने वाले दुर्गोत्सव में शहर के विभिन्न इलाकों में देवी प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है और अलग अलग प्रकार की झांकियां बनाई जाती हैं। इस साल कोरोना संक्रमण के चलते कोरोना की मार दशहरे पर दिखाई दी है, लेकिन इसके बावजूद देवी की मनमोहक झांकियों को देखने के लिए श्रद्धालु सड़कों पर जगराता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन बनाई है, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य है। दुर्गा पंडालों की समितियां भी पंडालों में श्रद्धालुओं को फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील कर रही हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस दुर्गोत्सव में श्रद्धालु सड़कों पर जगराते करते नजर आए। दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं ने जाकर माँ भगवती के दर्शन किए। बड़ी ओमती में छात्र दुर्गोत्सव समिति द्वारा करीब 35 सालों से वीरेंद्र सोनकर द्वारा माँ दुर्गा की मनमोहक प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। लोग यहाँ पर देवी के दर्शन करने के लिए निरंतर आ रहे हैं। समिति के लोगों का कहना है कि वो भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण देश से खत्म हो जाए। ये छात्र संघ दुर्गा उत्सव समिति पेशकारी स्कूल भर्तीपुर में प्रतिमा को लगभग 35 वर्षों से रखी जा रही है। शहर में क्या माहौल है, कितनी प्रतिमा? शहर में जितने भी माहौल है, इस बार शांतिपूर्ण माहौल था। काफ़ी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं रखी गई हैं। कोरोना को देखते हुए लोगों का अच्छा सहयोग, अच्छा जन भागीदारी के सहयोग मिल रहा है लोगों को। क्या कामना करते हैं आप? हम यही कामना करते हैं माता भगवती से, माँ जगदम्बा से, कि कोरोना काल है जो, जल्द से जल्द समाप्त हो। अपने चरणों में माई रखे इसको, सबका भला करे, सबका कल्याण करे माँ दुर्गा। आपका शुभ योगेश सोनकर लक्की। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 97।